बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीए भाग एक हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें नाटक, निबंध एवं प्रकीर्ण गतिविधियां आती है। प्रकीर्ण गतिविधियां क्या है? प्रकीर्ण गतिविधियां गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। वो विधाएं जो अधिक प्रचलन में नहीं है और जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है, उन्हें प्रकीर्ण गतिविधियां कहा जाता है। अभी हम लोग निबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे निबंध संग्रह में 4 निबंध हैं और उनमें से जो पहला निबंध है वो करुणा निबंध है। करुणा निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आज की कक्षा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध शैली के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का अध्ययन क्यों करना चाहिए, सबसे पहले ये सवाल आता है। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, उनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मानदंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तव में हम निबंध शैली का एक मानक अध्ययन करते हैं। निबंध कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है, निबंध की विशेषताएं क्या होती हैं और निबंध की प्रस्तुति का ढंग कैसा हो, अगर हमें इन सभी सवालों के उत्तर चाहिए तो हम रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का अध्ययन कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का उल्लेख भी आता है। उन्हें हिंदी निबंध एवं आलोचना के अनुकरणीय सृजक के रूप में हम जानते हैं, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। इस अध्याय में हम रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध शैली की विशेषताएं जानेंगे। उन्होंने जो मनोविकार विषयक निबंध लिखे थे उसके उद्देश्य क्या है इसे समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली कैसी है और उनका निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में क्या अवदान है, क्या योगदान है, इसे भी हम समझेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि करुणा निबंध, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली क्या रही है, उसकी विशेषताएं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध एवं आलोचना साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनसे पहले हिंदी निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में उतनी गंभीरता, विश्लेषणात्मकता एवं शैलीगत परिपक्वता नहीं आ पाई थी जितनी की साहित्यिक दृष्टि से अपेक्षित होती है। कहने का मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में कोई भी ऐसा निबंधकार नहीं हुआ जो इस स्तर का निबंध लिखता कि उसमें गंभीरता और विश्लेषणात्मकता की अनूठी क्षमता होती जो साहित्यिक दृष्टि से स्तरीय मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे पहले निबंधकार के रूप में उभर कर सामने आते हैं जिन्होंने निबंध को एक नई ऊंचाई दी। हिंदी निबंध विधा निश्चित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रीढ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का बौद्धिक विवेचन उनकी सहृदयता से समर्थित है। वो केवल बौद्धिक विवेचन ही नहीं करते, उसमें भाव प्रवणता भी होती है। जब वो तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते हैं तब वह यह भी ध्यान रखते हैं कि तर्क और बुद्धि की केवल शुष्कता ना हो, सरसता हो, और इसी सरसता के कारण अपने हृदय के भावों को भी वो अपने निबंधों में रखते हैं। अब हम उनके निबंधों की शैलीगत विशेषताएं समझते हैं। शुक्ल जी की जो निबंध शैली है उस पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप दिखाई देती है। उनके सोचने का ढंग, उनका जो वाक्य विन्यास है, उसे अगर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों और उनकी आलोचनाओं को पढ़ा है तो पंक्तियों को पढ़ते ही यह पता चल जाता है कि यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हैं। निश्चित रूप से उनकी शैली अत्यंत मौलिक है और प्रौढ़ है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाषागत, व्यवहारगत या विषयगत किसी प्रकार की कोई कमी हम निकाल सकें। उन्होंने बहुत ही प्रौढ़ शैली का, मौलिक शैली का प्रयोग किया है। शुक्ल जी की शैली की जो तीन
उनकी शैली के तीन रूप हैं, उन्हें हम बारी बारी देखेंगे। पहला है आलोचनात्मक शैली। आलोचनात्मक शैली में वो क्या करते हैं, वो विभिन्न विषय पर अपने विचार रखते हुए उसके गुण दोषों की विवेचना करते हैं, बहुत तटस्थ और निष्पक्ष होकर वो किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं और उसके सभी पहलुओं को सूत्र के रूप में हमारे सामने रखकर उसका विस्तार करते हैं। उन्होंने जो भावनाओं की अभिव्यक्ति की है उसमें भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि यह उनके व्यक्तिगत विचार ना हो, यह एक सार्वभौमिक विचार है। दूसरी शैली है गवेषणात्मक शैली। किसी गंभीर विषय को प्रस्तुत करने के लिए लंबे लंबे वाक्यों में क्लिष्ट भाषा के माध्यम से जब वो निबंध लिखते हैं तब वो गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के निबंध अत्यंत गंभीर विषय पर लिखे जाते हैं और उनमें मुहावरों का अभाव होता है। तीसरी शैली भावात्मक शैली, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावात्मक शैली में मनोविकार विषयक निबंधों की रचना की है और ऐसे बहुत सारे निबंध हैं, जैसे श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, उत्साह, करुणा, ये सभी मनोविकार विषयक निबंध हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि मनोविकार विषयक निबंध क्या होते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए मन के भावों की अलग अलग पहचान करके जब उनके ऊपर विषय बनाकर निबंध की रचना की जाती है तो ये मनोविकार विषयक निबंध होते हैं। मनोविकार विषयक निबंध मनोवैज्ञानिक निबंधों से अलग होते हैं। हम उनका जब मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक निबंध होते हैं, लेकिन मनोविकार की पहचान करके कि यह उत्साह है, यह करुणा है, यह ईर्ष्या है, और जब उसकी विवेचना की जाती है तो ऐसे निबंध मनोविकार विषयक निबंध कहलाते हैं। इस शैली की भाषा व्यवहारिक है और भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों तरह के वाक्यों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो मनोविकार विषयक हमारे ऊपर गहरी छाप छोड़ते हैं और हमारी भावनाओं को उभारते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में एक बड़ी खासियत है कि तार्किकता और बुद्धिमता के साथ ही हार्दिकता का, संवेदनाओं का, भावनाओं का भी प्रयोग किया है। केवल शुष्क विचार श्रृंखला नहीं है उनके निबंध, उनमें एक गहराई है, उनमें एक प्रभावोत्पादकता है। वो चाहते हैं कि जो पाठक है वो विषय में रम कर उसका पूरा रस ले, पूरा आनंद ले, और इसीलिए वे हमारे मन को सहज ही भाव विभल कर देते हैं। उन्होंने एक और शैली अपनाई है जिसको समाज शैली कहते हैं। समाज शैली किसे कहते हैं? आचार्य शुक्ल के निबंध समाज शैली में लिखे गए हैं। समाज शैली से तात्पर्य विचारों की सघनता से। जब विचार घनीभूत हो जाएं और उनको पढ़ने वाला व्यक्ति अलग अलग आयाम से सोचने को विवश हो तब वह समाज शैली होती है। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली का प्रयोग करते हुए विचारों की आवृत्ति, शिथिलता एवं अनावश्यक विस्तार को रोका जाता है। कोई विषय कितनी लंबाई का हो, उसके प्रस्तुति के लिए कितने सीमा तक के विचार उपयोगी हैं, इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने समाज शैली अपनाई है। शुक्ल जी के मनोविकार विषयक निबंधों का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह। जब हम अपने मन के विकारों को पहचान लेते हैं और उनके उद्देश्यों को जान लेते हैं तो निश्चित रूप से एक सत्य उभर कर आता है। वो सत्य यह है कि मन के भावों को दबाना नहीं चाहिए, उनका दमन नहीं करना चाहिए। वो भले ही किसी भी प्रकार के विचार, क्रोध हो, प्रेम हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, उत्साह हो, हालांकि दमन करने के बजाय आचार्य शुक्ल ने इनके परिष्कार, इनकी शुद्धि पर जोर दिया है। यदि क्रोध आया तो क्रोध का दमन करने के बजाय हम उस क्रोध का भी सदुपयोग कर लें। हमें ईर्ष्या हो रही है तो हम उस ईर्ष्या का भी कल्याणकारी सदुपयोग कर लें। ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने उनकी सामाजिक अर्थवत्ता का मनोयोग पूर्वक अनुसंधान किया, मनोविकारों का। उन्होंने मनोविकारों के निषेध का उपदेश देने वालों पर जबरदस्त आक्रमण किया और मनोवेगों के परिष्कार पर जोर दिया। मन जिस वेग से अपने भाव को प्रकट करता है उन भावनाओं का दमन करने के बजाय उनका सही दिशा में स्थानांतरण, उनका परिष्कार, उनकी शुद्धि और उनका सदुपयोग करना। शुक्ल जी की भाषा शैली कैसी है?
उन्होंने शुद्ध व्याकरण का ध्यान भी रखा है और व्यवहारिक भाषा का भी ध्यान रखा है। आम बोलचाल की भाषा भी उनके शब्दावली में है और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी उन्होंने खूब प्रयोग किया है। यही कारण है कि वह अत्यंत संयत परिमार्जित प्रौढ़ और व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा है, उसमें कहीं हम कमी नहीं निकाल सकते। उन्होंने कोई भी निरर्थक शब्द नहीं प्रयोग किया है और प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। वो जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो अनावश्यक विस्तार नहीं देते और प्रत्येक शब्द मूल्यवान है। कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकार विषयक निबंध है। हमने कई निबंधों के नाम लिए जो मनोविकार विषयक है, करुणा, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, इनमें से सभी। तो निश्चित रूप से ये तीनों उन्हीं के द्वारा लिखित निबंध है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित गद्य विधाओं में अपना साहित्यिक अवदान दिया है। आपने ये देखा कि उन्होंने निबंध और आलोचना लिखा है, आलोचनाएं लिखी हैं। उन्होंने साहित्य का इतिहास भी लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ, उनकी एक महान रचना है और उनकी कृति का अमर आधार है। तो ये तीनों ही विधाएं उनकी लेखनी का हिस्सा है, इसलिए इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। यह पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। पात्र की भलाई की उत्तेजना कौन सा मनोविकार करता है, यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है, तो यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, करुणा निबंध से। आप सभी ने निश्चित रूप से आज की कक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।